गोनपिपरी तहसील के गोजुली गांव वासियों ने मांगे पूरी न होने पर गोनपिपरी ग्राम पंचायत को ताला ठोकने का इशारा किया। गोनपिपरी तहसील के गुजोली गांव में स्वच्छता आरोग्य का प्रश्न चिन्ह निर्माण हो गया है, जिससे ग्राम पंचायत द्वारा नाली सफाई में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। नालियों को पूरी तरह साफ नहीं किया गया है, जिससे नालियों में जमे पानी की वजह से डेंगू के मच्छरों को बढ़ावा मिलता है और बीमारियों को बढ़ावा देने वाली ग्राम पंचायत को ताला ठोकने का इशारा गांव के नागरिकों ने दिया है। गोजोली ग्राम पंचायत की ओर से बारिश के बाद की गई स्वच्छता अभियान अंतर्गत नाली की सफाई की गई, जिसमें हजारों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया, मगर नाली का कचरा रास्ते पर ही ढेर बनाकर रखा गया, जिससे संतप्त होकर नागरिकों ने कहा है कि नाली को संपूर्ण रूप से साफ करें तथा उसका कचरा गांव से बाहर ले जाकर डालें। ऐसा ना करने पर इसकी तकरार वरिष्ठ अधिकारियों से की जाएगी। उसी प्रकार ग्राम पंचायत ने भ्रष्टाचार के मद्देनजर ग्राम पंचायत को ताला ठोका जाएगा, ऐसा इशारा गुजोली गांव के अमरदास जोंगरे ने किया। गुजोली गांव की स्वच्छता सिर्फ कागजों पर है, जिस ओर वरिष्ठों ने ध्यान दे ऐसी मांग गांव वासियों ने किया है। नाली में जमा दुर्गंधित पानी से डेंगू जैसे मच्छरों का प्रमाण बढ़ता है, जिससे नागरिकों के आरोग्य को धोखा है। ग्राम पंचायत का बोरवेल कुएं इस तरफ दुर्लक्ष है। पीने के पानी की व्यवस्था सही नहीं होने से नागरिकों के जीवन को भी धोखा है। गोनपिपरी से हमारे संवाददाता नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। अपने गोजोली गावामध्ये ग्राम पंचायत अंतर्गत नाली साफ करण्याचं त्याने ग्राम पंचायतमधून ठराव पास केला आणि नाली साफ केला, परंतु नाली साफ करत असताना त्यांनी अधामधातली नाली साफ केली आणि पूर्णतः नाली साफ न करता पैशाची उचल करून संपूर्ण पैसा खर्च झालेला आहे, परंतु नाली पूर्णतः साफ झालेली नाही आणि जिथे जिथे अधामधात जे खड्डे आहेत किंवा नाली बंद आहे त्या ठिकाणी पाणी साचलेलं आहे आणि पाणी साचलेलं असल्यामुळे त्या ठिकाणी मच्छर वगैरे पैदा होऊन डेंग्यूची साथ वगैरे किंवा बिमाऱ्या फैलू शकतात। तर या पाणी साचल्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आहे। तर अशा पद्धतीनं पाणी जर साचून राहिलं तर गावातील आरोग्य बिघडण्याची शक्यता आहे। तरी ग्रामपंचायत अंतर्गत ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी जे काही काम केलेलं आहे ते पूर्णतः पैसा खाण्यापुरतं असं वाटते। तर हे काम त्यांनी जर पूर्ण नाही केलं किंवा नाली साफ नाही केली तर आम्ही पुढील अधिकाऱ्यांकडे जाऊन आम्ही त्यांची हे पूर्णतः नाली साफ करण्यासंदर्भात मागणी करू आणि जर होत नसेल तर आम्ही ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन ग्रामपंचायतला ताला मारू, अशा पद्धतीने आम्ही करणार आहोत।